हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी का 70 प्रश्न करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है जीएम पौधे सहायक है। जीएम पौधे सहायक है, यह फसल उत्पादन बढ़ाने में यह सहायक होता है एवं रोग प्रतिरोधी पौधे के उत्पादन बढ़ाने में एवं सूखा निरोधी पौधे का उत्पादन बढ़ाने, ये तीनों में सहायक होता है जीएम पौधा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था, किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आप सभी याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ये चार्ल्स डार्विन जो वैज्ञानिक थे, इन्हीं के द्वारा यह सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। अगला देखिए क्या है, डीएनए को काटने में व्यवहार किए जाने वाला एक एंजाइम है, तो इस एंजाइम का नाम है लाइगेज। क्या है? लाइगेज, याद रखिएगा। अगला है, और आप लोग जवाब देते रहिएगा जो स्टूडेंट जानते हैं। ठीक है, नीचे दर्शाए गए आहार श्रृंखला में बाघ का स्थान क्या है? देखिए, घास, हिरण, बाघ। ठीक है, तो पूछ रहा है बाघ का स्थान है। देखिए, बाघ जो है आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सी नंबर हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, डीएनए प्रतिलिपिकरण क्या है? डीएनए प्रतिलिपिकरण के लिए ज़रूरत होती है, तो यह डीएनए पॉलीमरेज तथा डीएनए लाइकेज की ज़रूरत होती है, आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। अगला है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। पूछेगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या पूछेगा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश। फूलों के बीज परिवर्तित स्वरूप है, तो यह आपका बीजांड के रूप में, ठीक है, बीजांड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, अगला है आपके सामने क्वेश्चन है, जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणुओं का समूह है, जब जीवाणुओं का समूह हो जाएगा तो इसका जो समूह है आपका क्या हो जाएगा, मेथेनोजेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनोजेन। अगला है, बेकर का इष्ट है, तो बेकर का जो इष्ट है एस सेरी वाइनसी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑर्निथोफिली डैश द्वारा परागण को कहा जाता है, और ऑर्निथोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? देखिए, ये पक्षियों के द्वारा होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतः प्रजनन, आप सभी जानते हैं। एथेंसी का अर्थ क्या होता है? एथेंसी का अर्थ होता है पुष्प कलिका का खुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पुष्प बनाता है? द्वितीयक केंद्रक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वह आरएनए जो एमिनो अम्ल के लिए ग्राही अणु के रूप में कार्य करता है, वह आरएनए कौन सा है? तो उस आरएनए का, वह आरएनए जो एमिनो अम्ल के ग्राही अणु के रूप में कार्य करता है, उस आरएनए का क्या नाम है? तो उस आरएनए का क्या नाम है, आप सभी जानते हैं, टीआरएनए, याद रखिएगा, टीआरएनए। सुपोषण किसमें कमी लाता है, यानी सुपोषण मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। सुपोषण को इंग्लिश में कहते हैं यूट्रोफिकेशन, यह किसमें कमी लाता है? तो यह जो कमी लाता है आपका घुली हुई ऑक्सीजन में। अगला है, टर्मिनेशन कोडोन है, यूएजी। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? तो हो जाएगा आपका सिफिलिस। क्या हो जाएगा? सिफिलिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आपको हम बता दें, देखिए, ये पीडीएफ हम अभी से जितना भी क्वेश्चन वीडियो बना रहे हैं, इससे दो चार वीडियो बनाए हैं, सभी का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रहे हैं, ठीक है, टेलीग्राम पर डाल देते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, एनके ऑफिशियल जो इस चैनल का नाम है, वही नाम है, वही नाम भी क्या है, वही नाम है आपका
टेलीग्राम चैनल का भी, तो ज्वाइन हो जाइए। हम सभी का PDF दे रहे हैं और आप लोग यहाँ से एक बार पढ़ लीजिए, एक बार यहाँ हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद आप लोग वहाँ पर जाइए। सारा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली सभी याद, एक बार दो बार कभी भी समय मिलता है, मोबाइल चलाने का मन हुआ तब भी आप निकाल लीजिए, और चलाने का मन हुआ बस इसी को निकाल लीजिए। आप तो हम आंसर बता ही देते हैं, आराम से देखते जाइए, पूरा मार दीजिए, पूरा याद हो जाएगा सिंपल आराम तरीके से, ठीक है, अच्छे से। तो आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। निम्न बीजांड के आधारी भाग को दर्शाता है, निम्न बीजांड के आधारी भाग को क्या दर्शाता है, तो यह आपका जो दर्शाता है क्या दर्शाता है, बीजांड वृत्त दर्शाता है कि बीजांड वृत्त। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, सभी को बताए हैं डाउन सिंड्रोम में कितना होता है, गुणसूत्र की संख्या 47 होता है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी 47 होता है, एंड टर्नल सिंड्रोम में 45 होता है, ठीक है, इन तीनों को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछ देता है, क्या है, शुक्राणु प्रसु रूपांतरित होकर कितने शुक्राणु बनाते हैं, तो यह आपका 4 शुक्राणु बनाते हैं। पेरिमिडीन है तो यह यूरेसिल है, पेरिमिडीन है तो यह क्या है, देखिए एक मिनट, पेरिमिडीन है, प्यूरिन पैरामिडीन यह है, ऑप्शन है एडिनिन ग्वालिन यूरेसिल सभी। तो पूछ रहा है पेरिमिडीन है, तो पेरी इसमें से बताना है, तो पेरिमिडीन में आप सभी जानते हैं यूरासिल होगा या फिर साइटोसिन होगा, तो यूरासिल आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एडिनिन तो प्यूरिन का है और गुआनिन तो भी प्यूरिन का है, तो इसलिए सोच समझ के आंसर हो जाएगा सी नंबर। आर के ऑप्टरिक्स संयोजक करी है तो यह संयोजक करी है रेप्टाइल एंड वेव्स का, ठीक है, वेव्स का, रेप्टाइल एवं वेव्स का। चलिए अगला है, प्रोटीन संश्लेषण में प्रारंभिक प्रकूट हैं, तो प्रारंभिक प्रकूट आपका हो जाएगा AUG। अगला क्वेश्चन है, कवक मूल उदाहरण है आपका ये साहोपकारिता का। अब है, बॉस जाति में पुष्पन यानी फ्लोवरिंग होता है, पुष्पन होता है जो यह होता है, जल्दी से बताइए, बिल्कुल पूरे जीवन काल में एक बार, जो बॉस जाति में बॉस नहीं हुआ बॉस जाति में पुष्पन होता है पूरे जीवन काल में एक बार होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा, ड्रोसोफिला के मायोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है, ड्रोसोफिला में मायोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होता है, तो इसमें गुणसूत्र की संख्या 8 होता है, सभी याद रखिएगा 8। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, घड़ियाल एवं मक्खी इसका जीवन काल होता है, इसका जीवन काल 60 वर्ष से 1 दिन होता है, ठीक है। अगला है, नारियल के इंडोस्पर्म का कौन सा भाग लिक्विड सेंसेटम कहलाता है, तो यह आपका भाग है नारियल का बीज का, यानी लिक्विड इंडोस्पर्म, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, तो यह बीजाणु के विकास एवं निर्माण को कहते हैं, ठीक है, स्पोरोजेनेसिस। अगला है, दो माइक्रोस्पोरोनेजिया युक्त मोनोथेकस प्रागकोष किसमें पाया जाता है, तो यह आपका हिबिस्कस में, ठीक है, हिबिस्कस हो जाएगा। अब देखते हैं पोलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो यह परागण का अध्ययन करते हैं पोलिनोलॉजी में। जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की ज़रूरत है, तो यह है ये गर्भपात, यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भवती का समुचित देखभाल, इनमें से सभी बिल्कुल होगा। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है, देखिए आय में ह्रास, भूमि का ह्रास, खनिज का ह्रास, बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुन्नेट वर्ग विकसित किया, पुन्नेट वर्ग विकसित किसने किया था,
तो ये देखिए रेजिनेल्ड ने का जो वैज्ञानिक थे इसी ने पुनेटबर्ग विकसित किया था। मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि वह मटर के पौधे का चयन किया था। आप सभी जानते होंगे मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा चयन किया था। और देखिए और यहाँ से दो नंबर में क्वेश्चन पूछता है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा चयन क्यों किया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सभी याद रख लीजिएगा, VBI क्वेश्चन है, पूछबे करेगा। ठीक है, याद रखिएगा मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा क्यों चुना। ठीक है, और एक संकरण याद रखिएगा, एक संकर संकरण याद कर लीजिए पूरा, दो संकर संकरण याद कर लीजिए, तीनों में से एक क्वेश्चन श्योर है आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। सह प्रभाविता याद कर लीजिएगा, बहुविकल्पता याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट इस सबसे पूछता है। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा, मादा विषम युग्मता क्या है, मादा विषम युग्मता क्या है, तो यह आपका क्या है, आप सभी जानते हैं मादा द्वारा दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण, ऑप्शन नंबर ए। किसी स्थिति में F2 पीढ़ी में समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान होता है, समान होता है, तो यह होता है आपका अपूर्ण प्रभाविता में। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता में ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है, RNA पॉलीमरेज। इनमें से कौन सा फल कूट फल है, कूट फल इनमें से कौन है, आप सभी बताने का कोशिश कीजिएगा, कूट फल इनमें से है सेब। इनमें कौन द्विगुणित संरचना है, तो देखिए आपका युग्मनज है ना, ये द्विगुणित संरचना है। भ्रूण पोष का अर्थ क्या है, भ्रूण को पोषण देना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर जो दिए हैं बिल्कुल सही होगा। अब देखिए निम्न में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन के द्वारा होता है, एस्ट्रेर्सिया एवं घास, आप सभी जानते हैं एस्ट्रेर्सिया एवं घास, एक स्वपरागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, तो 25 सूत्री विभाजन की। ठीक है, द्विनिषेचन का अर्थ है दो पोलर केंद्रक तथा एक नरयुग्मक का संलयन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, तो इसे कहते हैं कायरेप्टेरोफिली। ठीक है, कायरेप्टेरोफिली कहते हैं चमगादड़ द्वारा परागण को। घेंघा द्वारा परागण कहलाता है, घेंघा द्वारा परागण क्या कहलाता है, इसे कहते हैं मेलेकोपिली नमक परागण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिना निषेचन फल के विकसित को कहते हैं, इसे कहते हैं हिटेरो अस्टाइली। निषेचन की खोज किसने की थी, निषेचन की खोज ये नावस्चीन नमक वैज्ञानिक किए थे, याद रखिएगा नावस्चीन। अब है जिन परिपक्व बीजों में भ्रूण पोष रहता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं एंडोस्पर्मिक कहते हैं। जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को कहते हैं, इसे एम्ब्रियो ओजेनी कहते हैं। परिभ्रूण पोष किसका बचा हुआ भाग है, यह है आपका भ्रूण पोष का, किसका है भ्रूण पोष का। इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है, जो एरिल है यह आपका मृष्टिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है, तो यह आपका है नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है, ये द्वितीय केंद्रक आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है एंटोमोनिफिली नमक परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा होता है एंटोमोफिली। ठीक है, एनिमोफिली आपका किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है। आर्नेथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है, आर्नेथोफिली, तो यह मनुष्यों के द्वारा हो जाएगा। अगला देखते हैं, बेलिसनेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है, तो जल परागण होता है। एनिमोफिली नमक परागण अभी बताएं, एनिमोफिली नमक आपका कीट के द्वारा न हो जाएगा। ठीक है, एनिमोफिली नमक परागण किसके द्वारा होगा, कीट के द्वारा। आंसर क्या होगा, एनिमोफिली नमक परागण। देखिए यहाँ पर देखिए एनिमोफिली नमक जो परागण होगा वो आपका वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, अभी हम आपको बतला देते हैं। ठीक है, इससे पहले अब देखिए एनिमोफिली नमक परागण आपका वायु के द्वारा होगा, और एंटोमोफिली अभी हम बतलाए हैं एंटोमोफिली नमक आपका कीट के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, एंटोमोफिली नमक परागण आपका कीट के द्वारा होगा,
और देखिए आर्निथोफिली है ना, आर्निथोफिली नमक परागण आपका हो जाएगा ये पक्षियों के द्वारा, ठीक है। आर्निथोफिली नमक परागण आपका होगा पक्षियों के द्वारा, एंटोमोफिली नमक परागण होगा आपका कीट के द्वारा। एंड अब यहाँ पर देखिए एनीमोफिली भी पूछे, एनीमोफिली नमक आपका वायु के द्वारा होगा, और एक होता है चमगादड़, यही पूछे चमगादड़ द्वारा होता है आपका चिरोप्टेरोफिली, ठीक है चिरोप्टेरोफिली याद रखिएगा, ठीक है इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो चमगादड़ द्वारा चिरोप्टेरोफिली और एनीमोफिली नमक आपका वायु के द्वारा, एंटोमो कीट के द्वारा, और एक क्या था एक आर्निथोफिली आपका पक्षियों के द्वारा, इन सभी को याद रखिएगा, ठीक है सही कर लीजिएगा। वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं छोटे एवं रंगहीन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चींटियों द्वारा परागण, अब पूछ रहा है चींटियों के द्वारा परागण होता है, देखिए चींटियों के द्वारा जो परागण होता है आपका चींटियों के द्वारा वह मेलेकोफिली इसमें हो जाएगा, ठीक है चींटियों के द्वारा होता है आपका मेलेकोफिली। अगला सामान्यता कैप्सुला में भ्रूण पोष होता है, कैप्सुला में भ्रूण पोष होता है अगुणित होता है, ठीक है। अब है आवृत्ति बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है आवृत्ति बीजी में, तो इसमें आपका पराग कोष नहीं मिलता है, ठीक है। अगला है टोटिपोटेंसी है माध्यम में उत्तकों का कोशिका से विकास करना, ठीक है। अगला है किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है, किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अस्टीवार्ड नामक वैज्ञानिक ने। एक प्रारूप आवृत्ति बीजी भ्रूण कोष प्रायः सात कोशिकीय होते हैं, क्या होते हैं प्रायः जो होते हैं सात कोशिकीय होते हैं। बीजांड के बीजांड काय में पाई जाने वाली रचना में स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रोगैमी में परागण नलिका किससे होकर भ्रूण कोष तक पहुंचती है, तो यह माइक्रोपाइल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 70 क्वेश्चन हम आपको इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, वहां से आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ, और हमारे दूसरे चैनल पर हिंदी का वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है 100-100 क्वेश्चन डालते हैं, एक 100 क्वेश्चन हिंदी का डालते हैं, अगर वो सारे क्लियर कर लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जितना भी उस पर वीडियो डालते हैं सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।